तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो सीजन 2 का है। सीजन 1 में जो आपने हेल्प और सपोर्ट मुझे दिखाया था, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें भी अपना हेल्प और सपोर्ट दिखाएं। मुझे उम्मीद है कि आप तो ऐसा कर ही लेंगे। चलिए फिर इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना कराते हुए। जैसा कि हमने पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ जो तोजो के पिता होते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ लावहट से कि तुमने जो है मेरे बच्चों के ऊपर हाथ उठाया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सूद समेत वापस करने आया हूँ। यहाँ पे जो लावहट होता है, वो उसे देखकर इतना ज्यादा हैरान नहीं होता। वो कहता है कि तुम मुझे हराने आए हो, बट अकेले। फिर हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों अपने आप को एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर यहाँ पे जो है फाइट हो जाती है स्टार्ट, और फाइट में जो है ये दोनों जो है बहुत ही भयंकर लड़ाई कर रहे होते हैं। इतना भयंकर कि पूरी बिल्डिंग जो होती है वो टूट जाती है। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ बासरा के डैड को ऐसे देखकर। वो भी जो है वो काफ़ी माहिर प्लेयर हैं यहाँ पर। वो जो लावहट होता है उस पर काफ़ी बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ते हैं। लावहट जो होता है बहुत ज़्यादा ट्राई करता है उन्हें रोकने का। फिर यहाँ पे जो जिन तोजो होते हैं, वो कहते हैं कि लगता है मेरे ब्लेड का जो एज है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, और तुम जो हो एक काफ़ी ब्रेव लड़के हो। मैंने तो सोचा ही नहीं था जो डेमन लॉर्ड लावहट है इतना ब्रेव होगा। तो यहाँ पे जो लावहट होता है वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ, और हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ बसरा के डैड कहते हैं कि तुम्हारी आंखें जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। फाइट के बीच में भी वो बातें कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने जो है बहुत सारी झूठ चीज़ों को है फैलाया है। यहाँ पे जो लावहट होता है वो सोचता है कि ये जो है सिर्फ यहाँ पे मुझसे लड़ने के लिए या बात करने के लिए नहीं आया है, ये मुझसे वॉर करने के लिए आया है। ये सोचकर जो है ये उस पर बहुत बड़ा अटैक करते हैं। यहाँ जो जिन तोजो होते हैं उसके अटैक को रोक लेते हैं, बट जो उनकी स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। तो ये कहते हैं कि लगता है ये वेपन आपके लिए नहीं बना हुआ है। यहाँ जो लावहट होता है वो बहुत सारी आत्माओं की पावर उनके ऊपर यूज़ कर देता है, इसीलिए जो जिन हैं वो भी अपना जो है पावर एक्टिवेट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो है इसको पंच मारने ही वाले होते हैं, और हम देखते हैं कि ये जो है इसे पंच मारकर यहीं पे हरा देते हैं। फिर जो है ये पावर वापस उसकी तरफ जाती है लावहट के। लावहट जो होता है इस पावर को होल्ड नहीं कर पाता है, तो वो उसे भगा देता है। वो जो पावर होती है जाके एक बिल्डिंग के ऊपर लग जाती है, जिससे बड़ी तेज आवाज़ आती है। तो यहाँ पे और भी बंदे यहाँ आ जाते हैं, और ये सब मिलकर जो है यहाँ पे जिन के ऊपर हमला करते हैं। बट यहाँ जो लावहट होता है वो कहता है तुम लोग रुक जाओ, इसे जो है सिर्फ मैं ही फाइट करूँगा। और हम देखते हैं जो यहाँ पे बिल्डिंग होती है वो गिर रही होती है। उस बिल्डिंग के अंदर जो है एक लड़की भी होती है, जिसे जिन जो है वो देख लेता है। फिर सीधे उसकी तरफ वो जंप करके उसे जो है वहाँ से बचा लेता है। और हम देखते हैं कि वो जो बिल्डिंग है वो सीधा जाके यहाँ पर पानी के अंदर गिर जाती है। और यहाँ पे लावहट है जो है वो कहता है दिन तो जो। यही हमारा सीन चेंज होता है। मियो जो होती है यहाँ सपने के अंदर कुछ गंदे चीज़ों के बारे में सोच रही होती है, तभी जो है वो यहाँ पर उठ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ बसरा जो होता है खाना खा रहा होता है, और साथ में यूकी और मियो भी होती हैं। यहाँ जो बसरा है उसे बड़ी ध्यान से देखता है मियो को, क्योंकि वो उसे देख रही होती है। मियो जो है बड़ी हैरान हो जाती है उसे देखने पर। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यूकी है वो कहती है कि हम लोग जो है सुबह सुबह का खाना जो है इसके साथ क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत थड़की औरत है। यहाँ जो मियो होती है उसकी बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम क्या कह रही हो। तभी जो मारिया है यहाँ पे आ जाती है, उसने जो है एक डिश बनाई होती है। बसरा जो होता है इस डिश को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है। तो वो कहती है कि ये जो तुम्हारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है उसके लिए मैंने बनाया है, तुम इसे खाकर बहुत ही अच्छे से खेल सकते हो। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में जो मियो होती है वो बसरा से पूछती है कि मुझे तो बहुत ही अचंभे में हूँ कि तुम जो हो एक कम्युनिटी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हो जो स्कूल में होने वाला है। यहाँ जो बसरा होता है वो कहता है कि शुक्र है कि जो हमारा है नॉर्मल डे स्कूल का होना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ स्कूल में जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारी हो रही होती है।
सभी लड़कियां जो है यहाँ प्रैक्टिस कर रही होती हैं। हम देखते हैं कि टोजो जो है यहाँ पे एक लड़की के साथ जा रहा होता है, तभी जो है उसकी मैडम यहाँ पे आ जाती हैं। मैडम जो कहती हैं कि तुम्हारा जो है फेस बहुत ज़्यादा रेड लग रहा है, और वो उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती हैं। तभी जो यहाँ खड़ी लड़की जो होती है उसे कहती हैं, टाची बना तुम्हारी जो बॉडी है वो कैसा अब काम कर रही है, मेक श्योर करना कि तुम जो है स्पोर्ट फेस्टिवल में अच्छा परफॉर्म करना। हम देखते हैं कि यहाँ जो उसकी टीचर होती है वो यहाँ से चली जाती है, और वो दोनों को कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों जो हो एक अच्छा परफॉर्म करोगे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ बसरा को जो है वो कुछ फील होता है दिमाग के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है, उसे लगता है कि यहाँ पर कोई है। तभी जो है यहाँ पे टाची बना वो कहती है कि क्या हो गया बसरा। फिर वो जो बसरा होता है वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों जाने लग जाते हैं, और यहाँ टाची बानो जो होती है वो बताती है कि मैं भी जो हूँ एक कम्युनिटी का मेंबर हूँ, क्योंकि जो हाशिगावा मैडम ने है मुझे रिकमेंड किया है। ये वहाँ पे टीचर की ही बात कर रही होती है, तो यहाँ पे जो बसरा कहता है तुम अपना अच्छा काम करना। ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे जो एक बंदा होता है एक मैडम पे बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। वो जो मैडम होती है वो प्रेसिडेंट होती है उस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की। वो उसे कहता है कि तुम जो हो पटाखे उड़ाने का ऑर्डर दे दो। वो कहती है कि पटाखे उड़ाने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। बट यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो कहता है कि दो कम्युनिटी पार्टी किस लिए बनाई है तुम लोगों ने। यहाँ पे वो कहती है कि नहीं मतलब नहीं, मैं मना कर रही हूँ। तो वो जो है यहाँ पे पंच लेके इसे मारने की तरफ आता है, बट यहाँ जो बसरा है उसका पंच पकड़ लेता है और जो नीचे है उसे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक टीचर जो होते हैं उन दोनों को शांत होने के लिए कहते हैं, बट ये जो लड़का होता है यहाँ पे चाकू ले आता है और यहाँ पे मारने ही वाला होता है। तभी मैडम जी है यहाँ पे आ जाती हैं, और जो यहाँ पे टाची बानो होती है वो उन दोनों को वश में कर लेती है। यहाँ जो हाशिगावा होती है वो कहती है कि तुम दोनों को जो है स्कूल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी चलो मेरे साथ। तो वो जो है उसके साथ चले जाते हैं। बट यहाँ पे जो एक सर होता है वो टोजो से बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जो टाची बानो होती है वो इन दोनों को देख रही होती है। यहाँ वो दोनों जो है छत पे आ जाते हैं, और उसके टीचर कहते हैं कि मैं जो तुम्हें यहाँ पे कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ, और जो उन लड़कों की गैंग है उनको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा, और तुम्हें जो है बस हाशिगावा को देखना चाहिए। वो जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल और नाइस टीचर है, बट हम जो देखते हैं कि इस दुनिया में हर कोई ना कोई किसी को लाइक और डिसलाइक करता है, बट यहाँ जो हाशिगावा है उसे जो है कोई भी डिसलाइक नहीं करता, सब जो है उसे लाइक करते हैं। मुझे लगता है कि हाशिगावा को जो है वो कुछ मैजिक तरह का कुछ आता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ छत के ऊपर एक और लड़की आ जाती है जो कहती है फायरवर्क वाले को मैंने होल्ड करके रखा है, तो वो दोनों नीचे चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यहाँ यूकी और मियो जो है स्कूल से वापस जा रही होती हैं, बट रास्ते में उन्हें जो है टाकी मिल जाता है। टाकी उन्हें बोलता है कि मुझे तुम दोनों से बात करनी है, तो वो उन्हें बताता है कि मैं तुम्हें जो हूँ एक वार्निंग देने आया हूँ बसरा के बारे में, क्योंकि जब मियो का पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था तो बसरा ने जो है वो मियो को बचा लिया था। अब यही सेम चीज़ जो है अगर बसरा जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो तुम दोनों को उसे बचाना पड़ेगा, इसीलिए तुम दोनों को जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग कि तुम जो हो उसे मार पाओ। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जाते हुए उसी के बारे में सोच रही होती हैं, और वो कहती हैं कि लगता है हम दोनों को उसे बात करनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ जो बसरा और जो वो टीचर होती है दोनों बाहर आते हैं होटल से, और यहाँ पे जो है वो माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हें लेट करा दिया, और यहाँ पे जो है सभी अपने अपने डायरेक्शन चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बसरा जब स्टेशन पे आता है तो वो अभी भी सोच रहा होता है उस वक्त के बारे में जब उसे स्माइल सी महसूस हुई थी। बट हम देखते हैं कि स्टेशन पे यहाँ पे सभी लोग को जो है बस में किया गया है। बसरा जो है यहाँ पंच मारता है बट उसे जो है कोई असर नहीं होता, बल्कि ये जो सब मैजिक का यूज़ करके इसे घेर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि बसरा यहाँ से जंप कर देता है और हवा में उड़ते हुए सोचता है कि कैसे बचूं इनसे। बट हम देखते हैं कि ये जो सभी है उसकी तरफ निशाना कर देते हैं, और कुछ ही देर में जो है ये हमला करने वाले होते हैं। बसरा को समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे, और हम देखते हैं कि ये जो है सभी इसके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं।
यहाँ जो बसरा की तलवार है उसकी हेल्प भी नहीं कर पाती थी, बट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक पानी का जो है आ जाता है बॉल, पानी का बॉल की वजह से वो जो है बच जाता है। ये जो पानी का बॉल होता है कि वो किसी और का नहीं कुर्मी का ही होता है। कुर्मी जो है यहाँ पे उसे बचाने के लिए आ चुकी होती है। बसरा जो होता है वो बोलता है कि तुम जो हो अपने पावर को जो है वो ध्यान से यूज करना, क्योंकि जो है नीचे बंदों को बस में किया गया है, वो कोई विलन नहीं है। वो कहती है कि ठीक है। वो यहाँ पावर का भी यूज़ कर लेती है और उन सब की जो मेमोरी होती है उन्हें भी इरेज कर देती है। और यहाँ पे बसरा को बताती है कि जो रिपोर्ट यूकी लेके आई थी इस वजह से विलेज ने मुझे एक एक्स्ट्रा मेंबर के रूप में यहाँ भेजा है ऑब्जर्वर के लिए। और मुझे लगता है कि बसरा जो तुम्हें जो है कोई टारगेट कर रहा है, जो तुम्हारे स्कूल में कोई नया मेंबर ज़रूर आया होगा जिसे तुम नहीं जानते होगे, या फिर कोई वेव फील किया होगा तुमने। तो वो कहता है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि बसरा और गुरमी जो है यहाँ घर पे आ जाते हैं और मियो को और मारिया को बुलाते हैं, बट वो बाहर नहीं आते। तो बसरा जो है गेट खोल के अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों जो है एक बिल्ली बनी हुई है। अभी जो मारिया होती है यहाँ सामने आ जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ था, तो तुम्हें कैसा लगा सरप्राइज? तो वो कहता है कि ये सब क्या है? तो वो जो है उसके जूते उतार देती है। वो कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। यहाँ पे इनके ऊपर स्कबल मैजिक का यूज किया गया है, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रही हैं। हम देखते हैं कि वो उसके नज़दीक चली जाती हैं और जो इनका पावर होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ जो बसरा होता है उसका भी पावर एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ कोई उनका श्राप एक्टिवेट नहीं हुआ है, बल्कि जो मारिया ने है उनकी हेल्प की है एक्टिवेट करने में। हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे मियो उसको जाती है पैरों की तरफ, तभी उसका ध्यान जाता है कि यहाँ पे कुर्मी खड़ी है। कुर्मी को देखकर वो कुछ बोल नहीं पाती, पर कुर्मी चिल्लाती है। कुर्मी कहती है कि ये सब क्या चल रहा है? इसे सुनकर जो है यहाँ मियो जो है पूरा लाल हो जाती है, बिल्कुल टमाटर की तरह। वो जो है रूम के अंदर से भागकर यहाँ से चली जाती है अपने बेडरूम में, क्योंकि उसे जो है बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। यहाँ जो मारिया है वो कुर्मी को एक्सप्लेन कर रही होती है मास्टर सर्वेंट पैक्ट के बारे में। वो बताती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो है इन दोनों की पावर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और यही बात जो है इन दोनों ने डिस्कस की होती है आपस में। और वो जो है यहाँ पे मारिया की हेल्प लेने के लिए चली जाती हैं मियो और यूकी, क्योंकि टाकी ने उन्हें स्ट्रॉन्ग होने के लिए कहा होता है। ये यहाँ पे मारिया से हेल्प मांगने आती है, तो मारिया डिसाइड करती है और उन्हें जो है एक कॉस्ट्यूम दे देती है। वो कहती है कि तुम जो है इन्हें पहन के तैयार हो जाओ। कुर्मी यहाँ सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि तुम तो बहुत ही पागल हो, बट यहाँ पे मारिया जो है वो कहती है कि जोल्जिया से बचने में जो है इसी ने हेल्प करी थी, मास्टर सर्वेंट फैक्ट ने। अब ये सुनकर उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो बसरा जो है उसे मना करता है मारिया को। वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कि ये सारी बातें जो है हमें कुर्मी को नहीं बतानी है, क्योंकि कुर्मी को यहाँ के सरकमस्टांसिस का जो है नहीं पता हुआ है। यहाँ जो मारिया होती है वो कहती है कि ऐसी बात है क्या, और ये जो है एक डायलॉग मारती है कि ये तो एक छोटी बच्ची है। तो यहाँ कुर्मी जो है वो कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और मुझे ऐसा ट्रीट मत करो, क्योंकि जो मैं हूँ वो एडल्ट हो चुकी हूँ और मैं जो हूँ ज़्यादा मैच्योर हूँ यूकी से, क्योंकि जो है मेरा वो उससे भी बड़ा है। यहाँ जो मारिया होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, तो क्या तुम मुझे प्रूव करके दिखा सकती हो कि तुम कितना मैच्योर हो, या तुम्हें जो है पता नहीं है कि तुम मैच्योर हो या नहीं हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं मैच्योर हूँ और मैं तुम्हें जो है प्रूव करके दिखाऊंगी। इसीलिए मारिया जो है इसके ऊपर मैजिक का यूज़ कर देती है, जिसकी वजह से जो है इसकी बॉडी कांपने लग जाती है। यहाँ जो मारिया होती है वो बसरा को बता देती है कि मैंने थोड़ा सा जो है इसके ऊपर मैजिक यूज किया है, तो जिस तरह तुम यूकी को शांत करते थे इसे भी कर सकते हो, और तुम चाहो तो यूकी की हेल्प भी ले सकती हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो है यूकी इसके पास आ जाती है और कहती है कि हम दोनों ही बहुत मैच्योर हैं, और यहाँ जो है उसका खोल देती है। बसरा जो होता है बहुत ही इनोसेंट बनके कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हें रिवाइव कर लूँगा। फिर हम देखते हैं यहाँ सीन चेंज हो जाता है और ये दोनों जो हैं सोने चली जाती हैं। और बसरा जो है यहाँ कहता है कि तुम हमेशा रिकॉर्ड करती रहती हो, तो यहाँ जो है वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मास्टर सर्वेंट पैक्ट का यूज हुआ है तो मैं जो हूँ यादगार के तौर पर इसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ।
यहाँ बसरा कहता है कि तुम रिकॉर्ड करके तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक विलन का रोल निभाती हो? तो वो कहती है कि नहीं, वो जो दोनों हैं मेरी ओल्ड सिस्टर हैं और मुझे जो है उन्हें ऐसे तंग करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसके बाद वो दोनों जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटती हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर ये जो है कहती है कि जब मुझे जोल्जिया ने पकड़ लिया था तो मुझे म्यूमियो और यूकी की बहुत ही याद आई थी, बट अब जो है कुर्मी की भी आएगी। ये सुनकर जो है वो यहाँ पे बसरा बहुत खुश होता है और उसे हग कर लेता है। यहाँ जो मारिया होती है वो कहती है कि क्या तुम वो वाली चीज़ मेरे साथ भी करना चाहते हो शर्माकर? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें हग कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि रात को जो बसरा है यहाँ छत के ऊपर खड़ा होता है और अपने एनिमीज के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उस ट्रेन के अंदर किसने अटैक करवाया था वहाँ पे लोगों के साथ। यहाँ पे वो बहुत सारे लोगों से शक करता है, उसमें जो है उसकी मैडम हासी कावा भी होती है। वो कहता है कि नहीं, उसके ऊपर मैं शक नहीं कर सकता क्योंकि वो जो है हमारी फैमिली की तरह है। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा तो देख सकते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।